এবারে নাম না করে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মণ বললেন, আইপিএফটি দলের নেতারা মানুষের থেকে ভোট নিয়ে টাকা কামিয়েছে, শুধু মানুষের জন্য কিছুই করেনি। প্রদ্যুতের দাবি, মিজোরামে মেজদের অধিকার সুরক্ষিত, নাগাল্যান্ডে নাগাদের অধিকার সুরক্ষিত, কিন্তু ত্রিপুরায় ত্রিপুরাসাদের কিছুই নেই। শুক্রবার যুবদের নিয়ে এক হল সভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। आपको कल एक मौका मिलेगा। आज नागालैंड में नागा का एक फ्यूचर है, आज मिजोरम में मिजो का फ्यूचर है, आज मेघालय में खासी गारो जयंती का फ्यूचर है, अरुणाचल में अरुणाचली का फ्यूचर है, लेकिन त्रिपुरा में हमारा बुकुंगबारा का फ्यूचर नहीं है आज तक। ये है क्रिकेट टीम, ये सिर्फ इलेक्शन फाइट करने के लिए नहीं। आपको लगता है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है? नहीं। आपको लगता है मुझे एमपी बनना है? नहीं। मुझे 13 लाख पिपरासा को कुछ देना है, खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ मिल गया तो आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मुझे एमएलए नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, 13 लाख पिपरासा को, 20 एमएलए को नहीं, 13 लाख पिपरासा को कुछ देना। ये जो चांस हमको अब मिलेगा, इसको वाईटीएफ ही आगे ले जा सकता है। लेकिन मैं क्या देखता हूं, डिवाइडेड रूल जो आईपीएफटी में हुआ, जो आईएनपीटी में हुआ, जो बीजेपी में हो रहा है, जो सीपीएम में हो रहा है, वो यही में हो रहा है। विलेज काउंसिल में हम सुन रहे हैं कि कहीं में करप्शन है, जोनल में करप्शन है, सब जोनल में करप्शन। जो नेता लोग को विश्वास करके हम लोग ने जगह दिया है, उनका काम रुपया कमाने के लिए नहीं है, उनका काम है लोगों को हेल्प करने के लिए। कोरोना के टाइम आप लोग ने हेल्प नहीं किया, आप लोग ने हेल्प किया, क्योंकि आपने हेल्प किया, आपने नेतागिरी नहीं किया, आपने हेल्प किया, इसके लिए आज तिपरा मौथा पावर में है। अगर आप लोग अभी भी हेल्प करेगा तो 2023 में तिपरा मौथा अपना लक्ष्य में ग्रेटर तिपरा में काबिल होने के लिए सामने आएगा। ये आपका मेहनत है। আগরতলা পৌর নিগম যা টাকা পায় এডিসি এর জন্য সে টাকা বরাদ্দ হয় না বলেও এদিন তোপ দেখেছেন প্রদ্যুৎ। শুক্রবার নাম না করে আইপিএফটি এবং নাম নিয়ে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে মহারাজ। आज हम लोग का ये राज्य में कोई सुविधा नहीं है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर सबका साथ सबका विकास है तो गांव में हम लोग का तिपरासा को क्यों मुर्गी बंदर जैसा रखा जाता है? मुर्गी दिया, कहीं में बकरी दिया, कहीं में सुअर दिया, जाओ एआरबीडी डिपार्टमेंट से जाओ जाओ जाओ। और यहां में बच्चा को लैपटॉप कंप्यूटर, तो आपका बच्चा पूरा जिंदगी बकरी और सुअर पालेगा और यहां में कंप्यूटर इंजीनियर कोई और बनेगा? क्या है ये? पुलिस बिल पास करना है तो बोलता है रुपया नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है रुपया नहीं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए रुपया है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रुपया खाएगा। मैं जानता हूं क्या सिंडिकेट चल रहा है। এদিন প্রদ্যুতের দাবি সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীও নাকি চাই আলাদা রাজ্য হোক। আরো অনেকেই মন থেকে চাই কিন্তু দলের জন্য মন থেকে বলতে পারছেন না, পার্টি ছেড়ে দলের জন্য ভাবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। बंगाली को मारेगा तो आपको आपका अधिकार मिलेगा? नहीं,
किसी को मानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अधिकार, आपका अधिकार देने का पावर वो बंगाली के पास नहीं है, वो मणिपुरी के पास नहीं है, वो मुसलमान के पास नहीं है, वो चा बागान के वर्कर के पास नहीं है, वो पावर दिल्ली का सरकार के पास। तो जब दिल्ली हम लोग जाता है तो हमको बोलना है कि हमको किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आप हम हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि ये स्टेट हम लोग का पिपरासा का था, आज हम लोग का ये पोजीशन है, आप हम लोग को न्याय दो। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया का होम मिनिस्टर है, आप हमारे साथ न्याय करो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? लेकिन जब मुबारक दिल्ली जाता है तो ऐसा करके नहीं जाता है, हानी भूसा बन के जाता है, वीर विक्रम का नासी बन के जाता है। मैंने देखा है, मैंने देखा है। प्राइवेटली रेवती त्रिपुरा भी बोलता है कि मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी कांग्रेस में था, पार्टी से बाहर नहीं निकला, जिस दिन निकला उस दिन दिल खुल के बात। जितेंद्र चौधरी भी चाहता है लेकिन निकल के बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी में है। लेकिन ये पार्टी 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 करते करते 70 साल चला गया, हम लोग छोटा 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 होकर इतना हो गया। अब पार्टी को छोड़ो, अब अपना पिपरासा के बारे में बात करो, क्योंकि पार्टी कुछ नहीं है। तबे राजनैतिक विश्लेषक की धारणा, দেশের ভোট যুদ্ধের আগে ঘর গোছাচ্ছে তিপ্রা মথা, আর 2018 সালের মতোই আলাদা রাজ্যের স্লোগানকে পুঁজি করে ভোটে যাবে তিপ্রা মথা। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।